experience walking after so long? It felt great. You know, I love being in front of a camera, and you know, as I said, once an artist, वो हंगर हमेशा बनी रहती है कि एक अच्छा सा परफॉर्मेंस हो जाए. और ये चीज़ भी दिल में रहता है कि जो पहले का काम किया हुआ है उससे उसके बराबर का हो. तो आई विल नर्वस बट इट फेल्ट ग्रेट एंड इट वाज समथिंग डिफरेंट. लाइक हमने आपको जितने भी आज तक देखा है स्क्रीन पे, इट वाज समथिंग डिफरेंट. लुक्स की बात करें या आपकी एक्टिंग की बात करें, तो एक टाइप का एक्सपेरिमेंट ही आपने किया है कमबैक के साथ. सो व्हाट डू यू हैव टू से? आई थिंक हम आर्टिस्ट हमेशा कुछ नए करने की हमेशा खोज में रहते हैं, और जब चांस मिल जाता है तो उसे हम ले लेते हैं. तो मैंने लिया हुआ चांस, एंड आई होप दैट यू गाइस लाइक दैट. एंड हाउ वाज वर्किंग विद यंग आर्टिस्ट? आपने मेंटर का रोल भी प्ले किया ऑन सेट. बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज यू नो आजकल काफ़ी आजकल के जो जनरेशन है बहुत मेहनती और फोकस्ड और डिसिप्लिन और टैलेंटेड है. सो आई रियली, इनफैक्ट मुझे उनसे कुछ सीखने को मिला. और जब उनको इतना नेचुरल काम करते हुए देखती हूँ, इतने अच्छे नेचुरल एक्टिंग करते हुए देखती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी अच्छा काम करना चाहिए. तो आई थिंक दे वर माय इंस्पिरेशन. इट टुक फ्यू आवर्स, बट एक बार लुक जब सेट हो जाता है तो उसको फॉलो करने में तब टाइम नहीं लगता, लेकिन टू गेट द करेक्ट लुक वी रियली हैव टू वर्क हार्ड. बट वंस वी गॉट दैट इट वाज इजी. मुझे बहुत ही अच्छा, क्योंकि बहुत कम मिलता है स्क्रिप्ट अच्छा, यू नो अच्छे स्क्रिप्ट बहुत ही कम मिलते हैं. तो जब मैंने पढ़ा तो लगा कि ये इसमें दम है. And I met Sunaina, and I really like that she's this young and passionate and hardworking and really clear of what she expects out of this movie. So I, you know, usliye maine. And lastly, humne Imtiaz Ali ko dekha, kafi praise kar rahe the aapko, and you are the most beautiful woman for him. And currently, he is the most great directors which actress wants to work with him. Absolutely. So any project we should expect you two coming together. You can ask him that question, and I was, you know, he's his body of work is exceptional. I have watched his movies, and I'm like a big fan of his movies. And praises coming from him, I was quite, you know, blushing, I guess. But it felt great. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you. Movie and. मनीषा मैम का ये कमबैक है आफ्टर सो लॉन्ग. सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात मेरे लिए ये है कि ये मनीषा कोइराला की कमबैक फिल्म है. बहुत सालों के बाद हम जैसे लोग उनको फिल्मों में देख पा रहे हैं, एंड फिल्म मैंने देखी है, फिल्म मुझे बहुत पसंद है. उसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, और सबसे अच्छी बात फिल्म की ये है कि ये उम्मीद बहुत जगाती है. और मैं इसको रेकमेंड करता हूँ सब लोग देखें. और सुनैना जो जिसने मेरे साथ भी पहले बहुत फिल्मों में काम किया है, जैसे कि जब वी मेट और रॉकस्टार और लव आजकल, उसकी ये पहली फिल्म है जो उसने डायरेक्ट की है. तो मेरे लिए बहुत ही खुशी और नर्वसनेस की बात है कि उसकी आज पहली फिल्म रिलीज़ हो रही है. एंड हमने एक फैन बॉय मोमेंट भी देखा, आप काफ़ी प्रेज कर रहे थे मनीषा मैम को, काफ़ी शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन फॉर यू. यस. तो एनी प्रोजेक्ट हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर साइड विथ हर? मनीषा कोइराला मुझे सबसे खूबसूरत फिल्म हीरोइन लगती हैं हमेशा से, और मेरा ये ज़रूर मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें वो मैं उनके साथ काम करूँ, मगर नहीं भी करूँ तो भी फैन तो मैं हमेशा रहूँगा. ओके सर, लास्टली मैं पूछना चाहूँगी, द रिंग हुआ है कि रहनुमा है कि रौला है? ये एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या है, अभी तक मुझे पता नहीं है. हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया. रौला ही सुना है कि रौला फाइनलाइज हुआ है. जब आपको पक्का हो जाए कि कौन सा है ना, मुझे बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि क्या टाइटल है फिल्म का. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.